हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आपका डेवलपमेंट क्लास 12th का इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और उसको आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि जो बच्चे क्लास 12th की लाइव क्लासेस के बैच में एनरोल होना चाहते हो, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर व्हाट्सएप करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। किसी एक सब्जेक्ट को चूज़ करते हो तो उसकी फ़ीस 700 रुपीज़ है, तीनों सब्जेक्ट को चूज़ करते हो तो 2000 रुपये हैं, और प्राइवेट भी अवेलेबल है अगर आप करना चाहो तो। चलिए, इस चैप्टर की शुरुआत में आपकी हुई इकोनॉमिक क्राइसिस। इकोनॉमिक क्राइसिस यानी कि 1991 में इंडिया के पास इकोनॉमिक क्राइसिस थी, यानी कि उनके पास इतना पैसा नहीं था कि जो एक्सटर्नल डेब्ट है, बाहर का कर्जा है, वो उसको चुका सके। गवर्नमेंट अनेबल थी कि जो उन्होंने बोरोइंग्स कर रखी है बाहर के देशों से, उसको वो चुका सके। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व उनके पास उतना सफिशियंट था नहीं कि वो डेब्ट को पे कर सकें, और जो प्राइजेस थी गुड्स की वो बढ़ती जा रही थी, और इम्पोर्ट्स काफ़ी हाई रेट से करना पड़ रहा था। ये तो इकोनॉमिक क्राइसिस हुई। क्या कारण थे सर कि आपकी जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुए, कॉज ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस क्या कारण थे जिसकी वजह से हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस हुए? सबसे पहला जो हमारा स्पेंडिंग था डेवलपमेंट के ऊपर, जो गवर्नमेंट के डेवलपमेंट प्रोग्राम हैं उनके ऊपर खर्चा करना और उनसे कोई भी एडिशनल रेवेन्यू ना आना। दूसरा, गवर्नमेंट के पास सफिशियंट फंड नहीं थे इंटरनल सोर्सेज से, जैसा कि जो गवर्नमेंट के पास टैक्सेशन डिपार्टमेंट होता है वहाँ से उतना पैसा नहीं आ रहा था। जो खर्चा था सोशल सेक्टर पे, डिफेंस पे, उससे तुरंत रिटर्न्स नहीं मिल रहे थे आपको। खर्चा तो हो रहा था लेकिन रिटर्न तुरंत नहीं मिल रहे थे। पब्लिक सेक्टर से उतना पैसा नहीं आ रहा था, खर्चा ज़्यादा हो रहा था, और फॉरेन एक्सचेंज जो बोरो करते हैं वो भी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा हो रहा था। इसकी वजह से हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस हुए, और ये रीज़न था हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस होने का। इसका इफ़ेक्ट क्या हुआ? इसका इफ़ेक्ट ये हुआ कि जो हमारा फिस्कल डेफिशिएट था वो बढ़ गया, यानी कि जो लोन लेते हैं, कर्जा लेती हैं, वो बढ़ गया। BOP यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट पर इफेक्ट पड़ा, जो प्राइजेस थे वो बढ़ गए, और जो डेफिशिएट फाइनेंसिंग थी वो भी हाई हो गई। इन सभी चीज़ों से हमको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लानी पड़ी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी 1991 में, जिसका पार्ट है लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर, लिबरलाइजेशन में क्या है? लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उनको हटा देना, सारे नहीं, कुछ गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को हटा देना, और प्राइवेट सेक्टर को अलाउ करना कि वो आए और बिजनेस में, ट्रांजैक्शंस में पार्टिसिपेट करें, है ना। अब लिबरलाइजेशन करने का ऑब्जेक्टिव क्या था सर? भाई, हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं उनके बीच में कंपटीशन बढ़े, हमारे फॉरेन कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज़ हो, हमारी तकनीक इंक्रीज़ हो, हमारे पास जो डेब्ट का बर्डन है कंट्री के ऊपर वो कम हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट एनकरेज हो, और हम अपने मार्केट को बढ़ा सकें। तो क्या क्या रिफॉर्म्स करे हमने अंडर लिबरलाइजेशन, यानी जब हमने लिबरलाइजेशन आया तो हमने क्या क्या रिफॉर्म्स करे, क्या क्या चेंजेस करे? सबसे पहला, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। इंडस्ट्रीज जो थी उसमें क्या क्या रिफॉर्म करे हमने? जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग था उसको खत्म कर दिया गया, पब्लिक सेक्टर का जो दायरा था उसको कम कर दिया गया, प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा दिया गया, कैपिटल गुड्स के इंपोर्ट पर फ्रीडम दे दिया गया, ये सभी हमारा हुआ इंडस्ट्री सेक्टर रिफॉर्म्स में। सर, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में क्या हुआ? फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में क्या हुआ? फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में जो हमारी बैंकिंग और नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से उनको लाया गया,
स्टॉक एक्सचेंज मार्केट आया, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आया, और इन सभी में जो आरबीआई है वो एक फैसिलिटेटर काम करता था, ठीक है ना। जो कॉमर्शियल बैंक है उनको फ्रीडम दिया जाता था कि वो अपनी इंटरेस्ट रेट अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, और जो प्राइवेट बैंक हैं उनको अलाउ किया जाता था कि आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट को एनकरेज कर सकते हैं। तीसरा रिफॉर्म, टैक्स रिफॉर्म, जिसको हम फिस्कल रिफॉर्म्स भी कहते हैं। इसमें गवर्नमेंट की जो टैक्सेशन पॉलिसी है, पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी है, जो गवर्नमेंट की टैक्सेशन और पब्लिक एक्सपेंडिचर की पॉलिसी है उसको हम कहते हैं हमारा टैक्स रिफॉर्म, फिस्कल पॉलिसीज को कह रहे हैं। अब फिस्कल पॉलिसी में क्या करता, जो टैक्स का स्ट्रक्चर है उसको कम किया जाता था, जो टैक्स की रेट थी उसको कम कर दिया जाता था, ताकि लोगों को सब्सिडी दी जाती थी, टैक्स इवेशन दिया जाता था, ये सारी चीज़ें। और कौन से रिफॉर्म्स हुए सर? फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स या एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स। इसमें क्या होता था, ये जो रिफॉर्म्स थे वो डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी या अदर मेजर्स, जैसे इंपोर्ट ड्यूटी को कम कर देना, एक्सपोर्ट ड्यूटी को ख़त्म कर देना, इंपोर्ट लाइसेंसेस को स्क्रैप कर देना। फिर आपका यहाँ ये जो हुए चार रिफॉर्म्स हुए थे मेन, उसके बाद आपका आया प्राइवेटाइजेशन, लिबलाइजेशन आया, और दूसरा आया प्राइवेटाइजेशन। सर प्राइवेटाइजेशन में क्या होता था? इसमें क्या होता था, जो प्राइवेट सेक्टर है उसको ज़्यादा रोल दिया जाता था, पब्लिक सेक्टर का रोल है उसको रिड्यूस किया जाता था, जो भी गवर्नमेंट कंपनी है उनको प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट किया जाता था, जैसे डिसइन्वेस्टमेंट करके अपनी पब्लिक सेक्टर को बेचकर, है ना, या गवर्नमेंट अपनी ऑनरशिप को विड्रॉल कर लेती थी, अपने मैनेजमेंट को वापस ले लेती थी। ऑब्जेक्टिव क्या था सर प्राइवेटाइजेशन का? ऑब्जेक्टिव ये था कि जो गवर्नमेंट की फाइनेंशियल कंडीशन है उसको इम्प्रूव किया जाए, डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू पैसा और आए, डिसइन्वेस्टमेंट जहाँ पे हम प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ को, मतलब पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को प्राइवेट सेक्टर में बेचते हैं, जो वर्कलोड है पब्लिक सेक्टर का उसको कम किया जाए, एफिशिएंसी को इंक्रीज़ किया जाए गवर्नमेंट की, और उन्हें गुड सर्विसेज दी जाए, बढ़िया गुड्स एंड सर्विस दी जाए किसको, कंज्यूमर्स को। तीसरा पार्ट था हमारा ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में क्या होता था? ग्लोबलाइजेशन में जो हमारा इंडिया है, हमारी कंट्री है, उसे वर्ल्ड की इकोनॉमी से इंटीग्रेट करना, यानी कि उन्हें एनकरेज करना कि जो फॉरेन में ट्रेड करते हैं, यानी कि बाहर से चीज़ों को खरीदना या बेचना, इस ये हमारा ग्लोबलाइजेशन में होता था। अब इसका बेनिफिट क्या हुआ हमारा, जो हम एलपीजी पॉलिसी लाए थे, लिबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये पॉलिसी आई, इनका बेनिफिट क्या हुआ? बेनिफिट ये हुआ कि जो सर्विस सेक्टर्स थे उनमें हमको काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली, जो हमारी इकोनॉमी थी उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीजमेंट देखने को मिला, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था जो कि सिर्फ यूएस के 6 बिलियन डॉलर थे 1990 से 1991 में, वो 2013-14 में हो गए 304 बिलियन डॉलर, और इंडिया उस समय एक सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बन चुका था ऑटो पार्ट्स का, इंजीनियर गुड्स का, आईटी सॉफ्टवेयर का, टेक्सटाइल का, और इनकी प्राइसेस भी काफ़ी बढ़ गई थी। तो सर फीचर क्या देखने को मिला एलपी फेलियर, सॉरी, ये तो बेनिफिट्स थे, फेलियर क्या था? यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर को नेग्लेक्ट किया जा रहा था, इंडस्ट्रियल सेक्टर की जो ग्रोथ थी वो अनइवन थी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी काफ़ी कम थी, डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी फेल हो रही थी, फिस्कल पॉलिसी भी फेल हो रही थी, और ये चीज़ थी जो हमारा एलपीजी यानी कि लिबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आने के बाद हुआ। फिर यहाँ पे आता है हमारा WTO, जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1995 में आया था, ठीक है ना, और इसको गेट जो था, गेट एक ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ,
ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इसमें जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो नेशन पर गवर्न करेंगे। इसका पर्पस ये था कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में वो एग्रीमेंट जो हमारा ट्रेड करते हैं गुड्स एंड सर्विस की, नेशनल एंड इंटरनेशनल में उसमें टैरिफ वगैरह या नन टैरिफ वगैरह को, यानी कि जो टैक्स लगता था एक्स्ट्रा, इसको रिमूव करना ताकि मार्केट अच्छे से चले। तो ये था आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। फिर एक कंसेप्ट था डीमोनेटाइजेशन का। डीमोनेटाइजेशन का मतलब क्या है कि जो इस समय एग्जिस्टिंग करेंसी है उसको हटा देना। जैसे कि इंडिया ने पहली डीमोनेटाइजेशन फेस करी थी 1946 में, दूसरी फेस करी थी 1978 में, और तीसरी फेस करी 2016 में, जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए। अब सर इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे कि जो हमारी ब्लैक मनी है उसको ख़त्म किया जाए, इन्फ्लेशन है उसको अपने कंट्रोल में किया जाए, फंड्स का जो इलीगल फ्लो है उसको कंट्रोल किया जाए, और कैशलेस सोसाइटी। फिर इसी के बाद गुड्स एंड सर्विस का कंसेप्ट लाया गया। जो हमारा गुड्स एंड सर्विस था यानी GST था उसे लाया गया गुड्स एंड सर्विसेज के हिसाब से, ठीक है ना। तो ये पूरा आपका स्ट्रक्चर है हमारा इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स का। तो अगर आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करके ज़रूर जाना। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।